राकेश टिकैत की आंख में आंसू क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में उनके समर्थन पंचायत होने लगी, जिसकी वजह महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत अपने समर्थकों में बाबा टिकैत के नाम से मशहूर थे, जिनकी एक आवाज पर हजारों लोग कुछ भी कर सकते थे। साल 1988 इस बात का गवाह है, जब बाबा टिकैत ने राजीव गांधी की सरकार को चुनौती दी, तब महेंद्र सिंह टिकैत के आह्वान पर लाखों लोग दिल्ली में जुट गए। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक किसानों का कब्जा हो गया, राजधानी ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ियों से भर गई। हफ्ते भर के इस आंदोलन में ही राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा। यही वजह है कि हर सरकार महेंद्र सिंह टिकैत से डरती रही। ऐसा ही वाक्या देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनाया, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हजारों किसानों को लेकर जब वो लखनऊ में पहुंचे थे, मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब, चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। तो आपने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों और जाटों के बीच महेंद्र सिंह टिकैत की अच्छी खासी पैठ थी। इसीलिए जब उनके छोटे बेटे को रोते हुए लोगों ने टीवी पर देखा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे सहानुभूति जताने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हजारों लोग शामिल। चुनावों में किसान और जाट वोटों के वजन को देखते हुए राकेश टिकैत से सहानुभूति दिखाने की होड़ लगी हुई है। राकेश टिकैत की नाराजगी आने वाले पंचायत चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट तकरीबन 17% के बराबर है। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर सख्ती दिखाना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।